अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अक्टूबर माह के राशि फल के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, जो ग्रह गोचर है, वो किस किस भाव को प्रभावित करेगा और उसके बाद उनका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब ये महीना शुरू होगा तो आपके लग्न में, ये मिथुन राशि आप देख रहे हैं, मिथुन राशि की लग्न में मंगल देव विराजमान होंगे। आपके चौथे घर में तीन ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और केतु। दो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा लेकिन केतु यही विराजमान रहेंगे। सूर्य जो शुक्रदेव है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में विराजमान है लेकिन इनका भी राशि परिवर्तन इस महीने में होगा। उसके बाद अगर आप शनि को देखें तो आपके भाग्य के भाव में भाग्य के स्वामी वक्री अवस्था में यानी शनि देव विराजमान है और आपके दसवें घर में राहु है जो यही बैठे रहेंगे और आपके जो बारहवां घर है वहां गुरु बृहस्पति बैठे हैं। अब इनका जो परिवर्तन है वो भी होना है, किस तरह से होगा। सबसे पहले तो 9 अक्टूबर का दिन, इस दिन गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और वक्रस्थ स्थिति में रहेंगे। उसके बाद 10 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन है, बुध आपके चौथे घर से निकलकर आपके पंचम में आ जाएंगे। उसके बाद 13 अक्टूबर को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है और शुक्रदेव आपके पंचम से निकलकर छठे में आ जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य आपके चौथे घर से निकलकर पंचम में आ जाएंगे। बाकी ग्रह ऐसे ही है लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन भी है, मंगल जो आपके लग्न में विराजमान है 20 अक्टूबर को मंगल आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। अब जब ये ग्रह ऐसे बदलते हैं, एक घर से दूसरे घर में पहुंचे, तो दोनों घर का रिजल्ट देंगे। किस तरह से देंगे तो सबसे पहले मैं करियर की बात करूंगी कि आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप देखें तो आपके करियर के घर में राहु बैठे हुए हैं जो पूरे महीने यही रहेंगे और आपके करियर भाव के स्वामी कौन है, गुरु बृहस्पति। बालक का है ना, वीर राशि है, तो स्वामी कौन बनते हैं, गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, बारहवें घर में बैठे हैं और ऊपर से ये 9 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ अगर दसवें भाव को ही आप देखें, तीन ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ दसवें भाव पर जा रही है, सूर्य की, बुध की और केतु की। अब यहाँ काम का प्रेशर तो बिल्कुल बढ़ने वाला है, काम का प्रेशर बढ़ेगा, काम का दबाव भी रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी क्योंकि ये समय ऐसा होगा जब आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे। जॉब में मन नहीं लग रहा है, काम अच्छे से नहीं चल रहा है, जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, ऐसी चीजें मन में आती रहेंगी और काम का प्रेशर आपको दबाकर रखेगा कि बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। तो ऐसे में आपको सावधानी रखते हुए कार्य करना है जब तक ये ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता है। पहली चीज तो सूर्य और बुध, बुध तो 10 तारीख को, सूर्य 17 तारीख को राशि बदलकर पंचम में आ जाएंगे, तब थोड़ा सा सुधार स्थितियों में होगा। गुरु वक्री हो जाएंगे लेकिन वक्रस्थ स्थिति में ये आपको लाभ की प्राप्ति विदेशी माध्यमों से करवाएंगे, विदेशी चीजों से, विदेशी कामों से जुड़े हुए हैं, विदेश की कंपनी में काम करते हैं, विदेशी मुद्रा से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, किसी भी तरह विदेश से जुड़े काम करते हैं, तो उनमें आपको आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। या आपके मन में 9 अक्टूबर को जब गुरु ग्रह वक्री होंगे तो आपके मन में विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए एक जिज्ञासा बढ़ सकती है, क्यों ना इस तरह के कार्य किए जाए। तो विदेश से ही लाभ की उम्मीदें यहाँ आपके लिए ज्यादा बनी हुई है। साथ में व्यापार की मैं बात करूं तो यहाँ मंगलदेव आपके लग्न में बैठे हैं, सप्तम पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं और साथ में यहाँ सप्तम में अगर देखें आप तो शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे 13 अक्टूबर को आपके छठे भाव में। तो नौकरी में भी आपको थोड़ा सावधानी रखते हुए चलना होगा लेकिन धन की प्राप्ति का अच्छा योग है। अब आप कहें काम तो अच्छा नहीं चल रहा तो धन कैसे आएगा, व्यापार करते हैं तो व्यापार के माध्यम से धन आपका अच्छा रहेगा, थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। लेकिन जब मंगल यहाँ गोचर कर जाएंगे तब आपके लिए धन की स्थितियां हो जाएंगी, तब आपकी वाणी पर इफेक्ट डालेंगे, कटु वचन बोल सकते हैं आप, लेकिन धन आता रहेगा, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। देखिए नौकरी में तब तो नौकरी में प्रेशर ज्यादा है लेकिन काम तो बन रहे हैं, आपका काम चल रहा है, आपके पैसा आ रहा है, सिर्फ प्रेशराइज होकर आप काम करेंगे। तो कुछ समय ऐसा होता है जब आप थोड़ा धैर्य रखते हुए बिताते हैं क्योंकि समय तो बीतता ही बीतता है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं जब शुक्र यहां आएंगे छठे घर में और गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, तब खर्चों में आप बढ़ोतरी देखेंगे। अब ये खर्चे
आपके लिए गुरु तो चाहेंगे कि आपका अच्छे घर अच्छी चीजों में पैसा खर्च हो, धर्म कर्म की चीजों में मांगलिक चीजों में पैसा खर्च हो। शुक्र चाहेंगे कि आपका पैसा जो खर्च होना है वो लग्जरी चीजों में हो, सामान की खरीदारी में हो। इतना बैलेंस बनाकर रखना है, जो चीजें जरूरी है उनके ऊपर खर्चा करें। एक काम आप जरूर कर सकते हैं, फिजूल खर्ची को रोक सकते हैं। फिजूल खर्ची को रोकेंगे तो धन को संचित भी कर पाएंगे, इसका ध्यान रखें। बाकी सूर्यदेव आपके यहाँ पंचम में आ जाएंगे और बुध भी यहाँ आपके पंचम में आ जाएंगे। बुध के पंचम में आने से शेयर मार्केट में थोड़ी ठीक स्थितियां बन जाएंगी और किसी तरह के वाद विवाद से दूर रहना है, क्योंकि शुक्र जब आपके यहाँ आएंगे मंगल की राशि में तो क्या करना है, विवादों से दूर रहना है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो धैर्य से आपको काम करना होगा, संयम आपको रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी, क्योंकि ये मंगल जब लगन में बैठे होते हैं ना तो जल्दबाजी दिखवाते हैं, उतावलापन होता है हर चीज को करने के लिए, तो ऐसे ही उतावलेपन से दूर रहना है। रिश्तों की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में जब तक शुक्र यहाँ विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। प्रेम आपका बड़ा अच्छा रहेगा, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी बातें रहेंगी। लेकिन जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन यहाँ अष्टम आपके छठे घर में होगा वृश्चिक राशि में और सूर्य आएंगे केतु यहाँ आएंगे, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है, तब ईगो सामने आ सकती है, तब ध्यान रखते हुए चलना है। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो मंगल की सीधी दृष्टि विवाह भाव पर पड़ रही है, तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब मंगल आपके गोचर करके दूसरे घर में जाएंगे तब स्थितियों में परिवर्तन होगा, तब वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलेगा। तो मध्य माह तक थोड़ा सावधानी रखनी होगी। सावधानी का मतलब होता है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि जिससे एक दूसरे को बुरा लगे, एक दूसरे को कमेंट ना करें, कुछ लोगों की आदत होती है, एक दूसरे का सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को, तब आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, परिवार का अगर आप देखें तो मंगल 20 तारीख को यहाँ जाएंगे तब परिवार के बीच में कुटुंब में कुछ कहासुनी हो सकती है, उससे पहले स्थितियां ठीक रहेंगी। सूर्य केतु और बुध चौथे घर में विराजमान है, मध्य माह तक आप मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, तब स्थितियां थोड़ी ठीक है और उनका राशि बदलने के बाद भी ये कोशिश करेंगे कि परिवार को एक साथ बांध कर रखें, लेकिन मंगलदेव कहीं ना कहीं आपकी वाणी में वो कटुता भर देते हैं, तो वहां आपको बोलते समय बस देखना है, बाकी चीजें ठीक है। हेल्थ की बात कर लेते हैं, हेल्थ इश्यू बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आपके छठे घर में शुक्र आएंगे और गुरु यहाँ आपके बारहवें घर पे बैठे हैं, लेकिन वक्री हो जाएंगे तो हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, कुछ पाचन संबंधी परेशानियां देखने को मिल सकती है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो सेहत का ध्यान रखें। और सेहत का तो देखिए, अगर आप कुछ चीजों को अगर अवॉइड कर देते हैं, परेशानी हुई और आपने अवॉइड कर दी तो वैसे भी वो बड़ी बन जाती है। किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, समय पर चिकित्सक के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और इलाज कराएं। अब बात बचती है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए कैसा समय है। सबसे पहले तो शुक्रदेव अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ बैठना स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है। उसके बाद सूर्य 17 तारीख को और बुध 10 तारीख को आपके पंचम में आ जाएंगे। सूर्य नीच में आएंगे लेकिन बुध यहाँ उदादित राजयोग बनाएंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूंगी अच्छा रहेगा। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उनको मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है। लापरवाही बरतेंगे तो उसका नतीजा फिर आपको देखना पड़ेगा, तो लापरवाही ना करें। बिल्कुल जिस तरह से आपको फोकस एकाग्रता को बढ़ाना है तो उनके लिए अच्छी स्थितियां बन जाए। अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस महीने में बहुत सारी चीजें हैं। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या है, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो भगवान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करें, ये दिन बहुत अच्छे हैं उपाय करने के लिए। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन के लिए मैं उपाय आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। आपको अपने पूजा स्थान में 5 कौड़ी और हल्दी की गांठ रखनी है। देखिए, कौड़ी जो है माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है और जो हल्दी की गांठ साबुत हल्दी होती है वो गुरु का कारक होती है, गुरु धन के कारक। तो इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो इस वहां रखें और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करें। सुबह को उनको लाल या एक पीले कपड़े में आप पोटली बनाएं और उसको अपनी तिजोरी में रखें। ये धन को आकर्षित करने का बहुत अच्छा उपाय है, माँ लक्ष्मी और धन के कारक गुरु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो धन आपके घर में रुकेगा, तो इस उपाय को इस दिन करें। बाकी आप शनि मंदिर जाकर वहां साफ सफाई का काम करें। शनि मंदिर नहीं है तो जो आपके घर के आसपास कोई मंदिर है वहां जाकर साफ सफाई का काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।